हमारे पूर्वी क्षेत्र में ओबीसी का जनसंख्या 99% कह लीजिए 99% है, जबकि पश्चिमी भाग का व्यक्तियों को जो दो आंगनबाड़ी केंद्र है तो दोनों में जनसंख्या 1/2 करके या एसी हो या ओबीसी हो पॉपुलेशन दोनों बराबर हो के तब चुनाव होना चाहिए। दोबारा सर्वे जी ये तो दोबारा सर्वे होना चाहिए। पूर्वी में और पश्चिमी में दोनों के जनसंख्या के अथी करके सर्वे करके अब हाफ हाफ हम लोग के बांट दिया जाए। यहाँ विवाद उत्पन्न होने के कारण यहाँ ग्राम सभा रद्द कर दिया गया। और सेविका का चयन क्यों नहीं हो पाया? सेविका का चयन इसलिए नहीं होने पा रहा है कि कदवा में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका चयन के दौरान ग्रामीणों ने कहा पुनः सर्वे कर हो ग्राम सभा। धुरकी प्रखंड क्षेत्र के रक्सी पंचायत अंतर्गत कदवा में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका चयन हेतु प्रभारी CDPO जुल्फिकार अंसारी की उपस्थिति में मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम सभा किया जा रहा था। इसी दौरान ग्रामीणों ने इस चुनाव को रद्द कर पुनः कदवा गांव के संबंधित टोले में पुनः सर्वेक्षण कर चुनाव कराने के लिए मांग करने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने चुनाव के दौरान हंगामा भी किया। वहीं हो हंगामा देखते हुए प्रभारी CDPO व चुनाव कराने आए अन्य कर्मी भी उठकर चले गए। ग्रामीण विनोद यादव, चंद्रमन यादव, संजय यादव, उप मुखिया केशव राम, उदय शंकर यादव, भोला भुइया, रामकेश यादव, विजय भुइया, शुक्ल भुइया, अरविंद यादव व विपिन यादव ने कहा कि कदवा गांव का पूर्व टोला व पश्चिम टोला की जनसंख्या को एक समुदाय विशेष की आबादी को शामिल कर आंगनबाड़ी सेविका का पोस्ट को आरक्षित कर दिया गया है। उक्त ग्रामीणों ने अभी कहा कि इससे पूर्व वे लोग इस सर्वेक्षण के खिलाफ आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन आवेदन पर किसी तरह से संज्ञान नहीं लिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पुनः निष्पक्ष सर्वे नहीं होगा तब तक आंगनबाड़ी सेविका के लिए किसी भी तरह के ग्राम सभा में सेविका का चयन वे ग्रामीण नहीं होने देंगे। देखिए, मेरा नाम संजय कुमार यादव, रक्सी पंचायत का उप मुखिया। यहाँ पर चुनाव रद्द होने का मेन कारण यह है कि जो सर्वेक्षण करने आते हैं वो पक्षपात करके गलत सर्वेक्षण कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे पूर्वी क्षेत्र में ओबीसी का जनसंख्या 99% कह लीजिए 99% है, जबकि पश्चिमी भाग का व्यक्तियों को उठा करके पूर्वी भाग में डाल दिया जाता है। इसके वजह से हमारे उधर का सीट को एससी जो है कर दिया जाता है। इसके वजह से यहाँ पर चुनाव बार बार इसी तरीका से रद्द कर दिया जाता है। अगर ऐसा अगर बार बार अगर होता रहेगा तो यहाँ पर ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग का। बार बार रद्द होगा। हम लोग का मांग है कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों को सर्वेक्षण करके और 1/2 करके चुनाव किया जाए। रीजन ये है कि आंगनबाड़ी केंद्र दो गो है कदवा में, और पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों आंगनबाड़ी केंद्र पश्चिमी ही टोला में चलता है, और उन लोग के जब चुनाव होने लगा सेविका के तो उसमें पूर्वी आंगनबाड़ी केंद्र में जनसंख्या 1900 हो गया और पश्चिमी आंगनबाड़ी केंद्र में जनसंख्या 1000 है। तो यहाँ के ग्रामीण जनता के मांग है कि ग्राम कदवा में जो दो आंगनबाड़ी केंद्र है तो दोनों में जनसंख्या 1/2 करके या एसी हो या ओबीसी हो पॉपुलेशन दोनों बराबर हो के तब चुनाव होना चाहिए। यहाँ विवाद उत्पन्न होने के कारण यहाँ ग्राम सभा रद्द कर दिया गया। और सेविका का चयन क्यों नहीं हो पाया? सेविका का चयन इसलिए नहीं होने पा रहा है कि लोग पूर्वी भाग जो है पूरब टोला वाले लोग का मांग है कि 1/2 करके चुनाव किया जाए, और इसी विवाद को लेकर के चुनाव कैंसिल किया गया।